हेलो गाइस, दिस इज़ सनी गुलवे, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ की। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने पूरी स्टोरी बताई थी बंटी भाई और गायतोंडे भाई की, जो भी उन्होंने फॉर्म का जो पूरा प्रोसेस था अपना कोला लिमिटेड का, शुरुआत से लेके एंड तक, उसके बेसिस पे ही मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज़ बताऊँगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कौन सी साइड जाता है, असेट साइड या लायबिलिटी साइड। तो उसका आंसर है वो लायबिलिटी साइड जाता है। और किसके अंदर जाता है? इक्विटी के हेड के अंदर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पहला नियम बताया था आपको कि कंपनी के प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स या ओनर्स एंड कंपनी, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट किसका होता है? वो प्रॉफिट होता है कंपनी के ओनर्स का। और हमने ये भी देखा था कि ओनर्स जो भी पैसा डालते हैं उसको हम कौन से हेड के अंडर डालते हैं? इक्विटी। तो ये इक्विटी के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। एक होगा शेयर कैपिटल, यहाँ पे है, हाँ, एक होगा शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और भी चीज़ें आती हैं सरप्लस में, सॉरी रिजर्व्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी के ओनर्स का पैसा जितना भी है वो सारा यहीं पर आएगा इक्विटी में। उन्होंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी में वो आएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। तो कंपनी अपना प्रॉफिट वो किसके लिए कमा रही है? ये ओनर्स के लिए, क्योंकि इनिशियली ओनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था और कंपनी को बोला था कि भाई, कंपनी के मैनेजमेंट को बोला था कि भाई आप बिज़नेस कीजिए, पैसा कमाइए और हमें रिटर्न ला के दीजिए, ठीक है। इसलिए ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनी की जवाबदारी है कि बिज़नेस करना, प्रॉफिट करना और अपने मालिकों को रिटर्न देना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट है ये लायबिलिटी साइड आएगा, ये कंपनी की लायबिलिटी है ओनर्स को प्रॉफिट कमा के देने की, ठीक है। नाउ ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी जब कमाती है उसके बाद उसके दो ऑप्शन होते हैं, जो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉफिट के साथ करना क्या है। अगर कंपनी को कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि भाई एक काम करते हैं, ये जो प्रॉफिट आया है इसको अपने ओनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा बंटता है ओनर्स के बीच में, ऑब्वियसली जो जिन्होंने जितने शेयर लिए हुए हैं या जिसका जितना स्टेक है कंपनी में, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। मान लो एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने 5% शेयर लेके रखे हैं, तो जो टोटल प्रॉफिट डिसाइड किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका 5% किसको जाएगा? जिसके पास 5% शेयर्स है, ठीक है। तो ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओनर्स को, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो कंपनी के कोई फ्यूचर प्लान्स हैं, वो कोई नया प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, अभी प्रॉफिट नहीं बांटते हैं लोगों को, ये पैसा हमारे पास जमा रखते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो ये जो पैसा है ये कहाँ चला जाएगा? ये रिजर्व्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो क्या था? शेयर कैपिटल। उसके अलावा और कुछ पैसा है कंपनी के पास ही आया है और वो ओनर्स का है, पर ओनर्स अभी लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इस तरीके से प्रॉफिट के दो ऑप्शन हैं। नाउ अब हमारी स्टोरी पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये गायतोंडे भाई और बंटी भाई ने मिलके एक फर्म बनाई थी, अपना कोला प्राइवेट लिमिटेड। और मैंने बताया था कि बिज़नेस शुरू करने के लिए उन्होंने सबसे पहला ट्रांजैक्शन किया था, क्या किया था,
लैंड परचेज किया था। पर वो ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले हम और कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि इनको करनी पड़ेगी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, ये फर्म के नाम का अकाउंट बैंक में खोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि फर्म एक अलग एंटिटी है, ओनर्स अलग एंटिटी है, तो जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं वो फर्म के नाम पे होने वाले हैं, ये बंटी भाई या गायतुंडे भाई के नाम पे नहीं होंगे। वो अगर कंपनी अगर किसी को माल बेचती है और सामने वाला अगर चेक लिख के भेजता है तो ऊपर बंटी भाई या गायतुंडे भाई का नाम नहीं लिखा होगा चेक पे, चेक पे लिखा होगा अपना कोला प्राइवेट लिमिटेड। मतलब वो ओनर्स को पैसा नहीं दे रहा है, वो ये फर्म से अगर माल खरीदा है तो वो फर्म को पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो फर्म के नाम पे चेक आ रहा है तो बैंक के अंदर जो अकाउंट है वो भी फर्म के नाम पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ओनर्स है वो ये काम करेंगे। नाउ अब हम ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे, पर ट्रांजैक्शन एंट्रीज बताने से पहले मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंपनी करती है तो उसकी दो एंट्रीज होती है, एक होता है असेट साइड पे और एक होता है लायबिलिटी साइड पे। अब लास्ट लेक्चर में मैंने यहीं तक ही आपको बताया था कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन की दो एंट्रीज होगी, एक असेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। बट अभी मैं आपको एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, और एडजस्टमेंट विद इन द सेम हेड। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि भाई एक ट्रांजैक्शन की दो एंट्री हुई, एक असेट साइड और एक लायबिलिटी साइड, दोनों या तो प्लस में होंगी या तो दोनों माइनस में होंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट मैच करना है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था असेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है, और एट द एंड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन वो असेट और लायबिलिटी मैच करने चाहिए। तो अगर दोनों साइड एंट्री होती है तो मान लो एक साइड प्लस 100 हुई तो दूसरी साइड प्लस 100 होगी, या तो एक साइड माइनस 100 हुई तो दूसरी साइड माइनस 100 होगी, तो इस तरीके से वो बैलेंस हो जाएगा। पर उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, विद इन द सेम हेड भी एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि असेट के अंदर ही प्लस 100 हो गया और माइनस 100 हो गया, तो वो नेट इफेक्ट क्या हो गया, असेट साइड में नेट जो मतलब डिफरेंस जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ, 100 ऐड हुए और 100 माइनस हो गए, ठीक है, तो जो पहले था वैसा ही हो गया। या तो लायबिलिटी साइड भी ऐसा हो सकता है, 100 ऐड करो 100 माइनस करो तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया, पहले असेट से मैच कर रहा था अभी भी असेट से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नाउ लास्ट टाइम मैंने पहला नियम बताया था कि भाई कंपनी और उसके ओनर्स अलग एंटिटीज़ हैं, अभी मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ कि आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए जो भी एंट्रीज बना रहे हैं वो तभी कर सकते हैं जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी में टर्म्स में कन्वर्ट कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है, कंपनी ने 1 करोड़ का माल बेचा, तो अगर कंपनी के पास ऐसी चीज़ है, ऐसी कॉमोडिटी है जिसको वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकती है तो ही ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको तुम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देन दैट्स इट, उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब कंपनी क्या करती है, अपने एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज़ की सैलरी लिखती है कि भाई हमने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी दी, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है। पर एम्प्लॉयज़ का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि वो कितना डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी के अच्छे के लिए कितना सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जो भी होगा, बैलेंस शीट के अंदर हो या पीएनएल के अंदर हो,
वो आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब उसको आप क्वांटिफाई कर सको और उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप बता सको, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैलेंस शीट में, पीएनएल में जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी वो कैसी होगी, क्वांटिफाइबल होगी, ठीक है। नाउ पहला ट्रांजैक्शन हमने देखा था लास्ट स्टोरी में कि बंटी भाई और गायतोंडे भाई क्या करते हैं, एक लैंड ख़रीदते हैं। मान लो वो लैंड का परचेस कॉस्ट है 100 लाख, 1 करोड़, ठीक है। तो अब एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले कंपनी ने क्या ख़रीदा है, कंपनी ने ख़रीदा है लैंड। लैंड कैसा असेट है, फिक्स्ड असेट, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, असेट के अंदर सब हेड है फिक्स्ड असेट, वहाँ पे कंपनी क्या लिखेगी, लैंड, और सामने उसकी वैल्यू क्या लिखेगी, 100 लाख। मतलब लैंड कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में एज एन असेट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैंने बोला था असेट साइड हम क्या लिखते हैं, पैसा कहाँ यूज़ हुआ, तो ये तो तुमको पता चल गया पैसा कहाँ यूज़ हुआ, लैंड में यूज़ हुआ। अब ये कंपनी को फ़िलहाल चिंता नहीं करनी है कि इसका इसको प्रूफ कैसे करूँ कि मैंने लीगली किया, वो लास्ट में जब ऑडिट आएगा तब वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। अगर तुमने लैंड परचेज़ किया है तो उसका जो सेल डीड होगा वो चेक करेंगे कि भाई आप बोल रहे हो 1 करोड़ में लिया, तो वो सेल डीड पे लिखा हुआ है कि नहीं 1 करोड़ है कि नहीं, ठीक है। उसके सामने अगर 1 करोड़ का लैंड परचेज़ किया है, यहाँ पे पैसा गया है, तो सामने क्या लिखा जाएगा, पैसा कहाँ से आया, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि इनिशियली कौन पैसा डाल रहा है, कंपनी के प्रमोटर से पैसा डाल रहे हैं। तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स पैसा डाल रहे हैं तो वो कौन से साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। उसमें भी कौन से हेड में आएगा, इक्विटी में आएगा। अगर कोई और इंस्टीट्यूशन उनको पैसा दे रही होती तो इक्विटी में नहीं आता, वो लायबिलिटी में जाता, आउटसाइड लायबिलिटी में। पर ये कंपनी के अंदर के आदमी ही कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो उसको हम किस में गिनते हैं, इक्विटी में। तो इक्विटी के अंदर क्या लिखा जाएगा, प्रमोटर्स कैपिटल, एक्चुअली वर्ड तो ऐसा यूज़ किया जाता है शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है प्रमोटर्स कैपिटल, क्योंकि ये उनका पैसा यहाँ पे जा रहा है, और वो भी कितना है, 100 लाख। ऑब्वियसली ये जो लैंड परचेस किया है वो अगर 100 लाख का है तो सामने वो पैसा भी 100 लाख ही लेके आए होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी एंट्रीज मैच हो गई। अब जैसे इसके लिए मैंने बोला कि कंपनी प्रूव कैसे करेगी कि भाई ये लैंड 1 करोड़ में ही ख़रीदा, उसके लिए सेल डीड है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये कंपनी प्रूव करेगी कि भाई देखो ये गायतोंडे के भाई के पास 50 लाख रुपए थे बैंक अकाउंट में, ये बंटी भाई के पास 50 लाख रुपए थे बैंक अकाउंट में, ये दोनों ने अपने अपने अकाउंट में से मेरे नाम पर जो अकाउंट है बैंक में उसमें 50-50 लाख ट्रांसफ़र किए, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास 1 करोड़ रुपया आया और उससे मैंने लैंड खरीदी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है और वह जब ऑडिट आता है तब वो ऑडिटर से ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारी एंट्रीज मैच हो गई। अब ये वाला जो पार्ट है कैपिटल, इसके अंदर एक होता है ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। वो होता है कि कंपनी को कितना कैपिटल इशू करने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। वो कितना मैक्सिमम कैपिटल कंपनी की अपने ओनर से ले सकती है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में, ये वाला जो मेरा वीडियो है आईपीओ प्रोसेस इन इंडिया, उसके अंदर मैंने पूरा बताया है कि आरओसी के अंदर कैसे वो ऑथोराइज कैपिटल देते हैं, उसके अंदर फिर वो विद इन द लिमिट कितने शेयर इशू करते हैं, ठीक है, उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा डाला था।
मान लेते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी 100 लाख ही डाला था उन्होंने, ठीक है। फिर से बिल्डिंग क्या है, असेट है, कैसा असेट है, फिक्स्ड असेट है। तो असेट के अंदर फिक्स असेट में कौन सी एंट्री आएगी, बिल्डिंग लिखा जाएगा और उसके सामने कितना लिखा जाएगा, 100 लाख। उसके सामने पैसा कहाँ से आया, तो हमने देखा था कि उस टाइम इन्होंने ही पैसा दिया था, गायतोंडे भाई और बंटी भाई ने, तो वो कहाँ पे आएगा, ओनर्स ने पैसा दिया है तो लायबिलिटी के अंदर इक्विटी में आएगा। फिर से प्रोपराइड प्रमोटर्स कैपिटल, उसमें कितना ऐड होगा, 100 लाख, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन। देन थर्ड ट्रांजेक्शन उन्होंने क्या किया था, प्लांट एंड मशीनरी, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी किसका पार्ट है, फिक्स असेट का पार्ट ही होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मशीनरी तो मूवेबल होती है, ठीक है, पर फिर भी इन जनरल हम ऐसा करते हैं कि लैंड, बिल्डिंग, पूरा प्लांट और उसमें जो इंस्टॉल्ड मशीनरी है उसको हम फिक्स असेट का पार्ट ही गिनते हैं, ठीक है। तो असेट के अंदर फिक्स असेट क्या हेडिंग दिया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, उसके सामने 100 लाख। उसी तरीके से अगर प्रमोटर ने ही पैसा दिया है तो लायबिलिटी के अंदर इक्विटी, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, प्रमोटर कैपिटल, 100 लाख, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपनी को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रूव करनी पड़ेगी। नाउ हमने देखा था कि उन्होंने लैंड लिया, बिल्डिंग बनाया, अंदर मशीनरी डाल दिया, अब उनको क्या करना है, अब उनको प्रोडक्शन चालू करना है। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं उनके पास पैसा नहीं है और उन्होंने रॉ मटेरियल उधार में लिया है, मतलब क्रेडिट पे परचेस किया है। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेसिंग रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, वो भी मान लेते हैं 100 लाख का है। नाउ ये रॉ मटेरियल जो है वो कैसा असेट है, ये करंट असेट है। क्यों, पहली बात तो ये फिक्स नहीं रहने वाला, एक ही जगह पे पड़े नहीं रहने वाला, ये मूवेबल होगा। दूसरी चीज़, ये जो रॉ मटेरियल है उसको परचेस करने के लिए अगर प्रमोटर्स ने मान लो कैश में ख़रीदा है और आज पैसा डाला है रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो रॉ मटेरियल 5 साल तक यूज़ होगा या 3 साल तक या 2 साल तक यूज़ होगा, बाद में फिर वो बेचा जाएगा। ये तो तुरंत ही 1-2 महीने के अंदर यूज़ भी हो जाएगा और उसका फिनिश प्रोडक्ट तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल असेट तो है कंपनी का, क्योंकि वो ओन करता है रॉ मटेरियल को, बट ये कैसा असेट है, करंट असेट है, क्योंकि इसकी जो आयु है वो ज़्यादा नहीं है, वो आते ही थोड़े टाइम के अंदर यूज़ हो जाने वाला है और वो आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अगर कंपनी ख़रीदती है तो वो असेट में आएगा, पर कौन से असेट में आएगा, करंट असेट में। उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, एक साइड लिखा जाएगा रॉ मटेरियल, उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, 100 लाख, ठीक है। नाउ ये वही क्वेश्चन है कि पैसा कहाँ यूज़ हुआ, रॉ मटेरियल में, पर पैसा आया कहाँ से वो देखते हैं। तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने ये रॉ मटेरियल सप्लायर को कैश में ही पैसा दे दिया होता, तो इसका मतलब ये पैसा कौन लाया है, ये कंपनी के प्रमोटर्स लाए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 100 लाख, बट ये ट्रांजैक्शन देखिए, ये जो रॉ मटेरियल आया है उसके लिए प्रमोटर ने तो पैसा दिया ही नहीं है, ये उधार पे लिया है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कंपनी किसी से माल उधार में लेती है तो वो जो सप्लायर है वो कंपनी का क्या बन जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कंपनी को उसको फ्यूचर में ये रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट तो करना ही है, ठीक है। इसलिए आज की तारीख में वो सप्लायर ये कंपनी के लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। भले ही आज उसने माल दे दिया है, पर ये कंपनी की लायबिलिटी है कि वो थोड़े टाइम के अंदर ये रॉ मटेरियल का पैसा उस सप्लायर को वापस कर दे, ठीक है। तो ये जो क्रेडिटर है जिसने उधार पे माल दिया है कंपनी को, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, लायबिलिटी साइड होगी। तो लायबिलिटी में ये कौन से हेड के अंदर आएगा, करंट लायबिलिटी में। क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर या सप्लायर जो भी उसका नाम है वो लिखा जाएगा, और उसके सामने कितना लिखा जाएगा, 100 लाख।
इसका मतलब कंपनी को पता है कि भाई ये जो सप्लायर है, जो भी है एक्स वाई जेड, उसने मुझे 100 लाख का उधार दिया हुआ है और मुझे उसको वापस करना है। ठीक है, नाउ फिर से उसको करंट लायबिलिटी में हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं है कि आज उधार लिया तो 1-3 साल बाद उसको वापस देगी, वो विद इन 1-3 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ्स में उसको उसका पैसा वापस कर देगी। तो ये था फोर्थ ट्रांजेक्शन, इसमें भी हमारा जो दोनों साइड है वो बैलेंस हो गया है। नाउ ये हमने देखा था रॉ मटेरियल परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार में मान लिया, पर मान लो कंपनी के पास पैसा है और उसने वो कैश में ही खरीद लिया, तो क्या एंट्रीज आएंगी? रॉ मटेरियल है तो ऑब्वियसली असेट के अंदर कायम आएगा, करंट असेट में, ये तो एंट्री वही रहेगी रॉ मटेरियल और सामने लिखा जाएगा 100 लाख। पर लायबिलिटी साइड क्या हो जाएगा? अगर प्रमोटर पैसा ला रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो एक लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा? इक्विटी, और क्या आएगा? प्रमोटर्स कैपिटल, और उसके सामने 100 लाख। ठीक है, नाउ मैंने जो अभी पहले समझाया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों साइड एक एक एंट्रीज होगी, लायबिलिटी साइड और असेट साइड, तो हमने आगे के 4 ट्रांजैक्शन में ऐसा ही देखा कि एक एंट्री लायबिलिटी साइड हो रही है, एक एंट्री असेट साइड। पर ऐसा भी हो सकता है कि विद इन द मेजर हेड जो कि असेट है उसके अंदर ही एडजस्टमेंट हो जाए। मान लो कंपनी ने एक मशीन लिया था जिसकी लाइफ 10 साल थी, पर 5 साल के बाद उसको ऐसा लगा कि भाई अब मुझे नई टेक्नोलॉजी आई है, उस हिसाब से नया मशीन ख़रीदना है, ये मशीन बेच देना है। ठीक है, तो मशीन अगर बेचा जा रहा है तो कंपनी का क्या कम हो रहा है? कंपनी का फिक्स असेट कम हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये भी 100 लाख है, ये जो बेच रहा है मशीन उसकी वैल्यू भी 100 लाख है, तो ये फिक्स असेट में से मशीन का नाम भी हट जाएगा और उसके सामने से 100 लाख भी हट जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डेबिट एंट्री। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली आपको पता होगा, जब भी कोई माइनस में एंट्री होती है उसको हम डेबिट एंट्री बोलते हैं, जहाँ पे भी प्लस में एंट्री होती है उसको हम क्रेडिट एंट्री बोलते हैं। तो ये फिक्स असेट्स है, उसमें से मशीनरी हट जाएगी, उसकी वैल्यू भी हट जाएगी, वो डेबिट हो जाएगा। और सामने क्या होगा, ये अगर मशीन कंपनी बेच रही है किसी को, तो सामने वाली जो पार्टी है वो उसको क्या देगी? कैश देगी। ठीक है, तो जितने की मशीन की वैल्यू होगी उतने का ही सामने से कैश मिलेगा। तो मान लो 100 लाख की मशीनरी बेची है तो सामने पार्टी 100 लाख ही कैश देगी, तो वो कहाँ पे जाएगा? कैश आपको पता है कैसा असेट है, करंट असेट है, तो वो एंट्री यहाँ पे होगी। तो वो एंट्री यहाँ पे कैसे होगी? कैश लिखा जाएगा एक साइड और दूसरे साइड क्या लिखा जाएगा? 100 लाख, और ये पॉजिटिव एंट्री होगी, ऐड होगा, तो इसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? क्रेडिट एंट्री। ठीक है, तो आपने देखा ट्रांजेक्शन हुआ है पर दोनों साइड एंट्री नहीं हुई है, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, असेट के अंदर ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया है, एक डेबिट हो गया एक क्रेडिट हो गया, तो पहले जो असेट के अंदर जो फाइनल वैल्यू आ रही थी अभी भी वही आ रही है। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि अगर मशीनरी सेल कर रहे हैं 100 लाख का, तो असेट में से असेट के अंदर करंट असेट में क्या ऐड होगा? 100 लाख, जो कि मशीनरी बेचने पर कैश मिलेगा, और सामने से असेट में ही फिक्स असेट में से क्या चला जाएगा? मशीनरी चली जाएगी, जो भी उसकी वैल्यू थी वो। नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन, हमने क्या देखा आगे? पहले लैंड परचेस किया, फिर बिल्डिंग, फिर मशीनरी इंस्टॉल की, फिर रॉ मटेरियल किया, फिर उन्होंने क्या किया था? लेबर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके प्रोडक्शन चालू किया। ठीक है, फिर प्रोडक्शन जैसे ही चल रहा था वैसे ही क्या 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 होते गया? फिनिश गुड्स रेडी होता गया। ठीक है, अब वो जो गोदाम में रखा गया है फिनिश गुड, अब कंपनी उसको क्या करेगी? बेचने का शुरू करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कंपनी ने जो अपने गोदाम में फाइनल जो पैकेट्स रखे थे अपना कोला के, उस जिसको हम फिनिश गुड बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे बेचना चालू कर रही है, और
वो क्रेडिट पे बेच रही है, जैसे उसने क्रेडिट पे ख़रीदा था रॉ मटेरियल, वैसे ही ये फिनिश गुड्स अभी क्रेडिट पे बेच रही है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, कंपनी क्या बेच रही है, अपना कोला जो कि फिनिश गुड है। तो वो फिनिश गुड उसका असेट था, जब उसके गोडाम में पड़ा था तब वो उसका असेट था, पर वो कैसा असेट था, करंट असेट। क्यों, क्योंकि वो एक साल से ज़्यादा अंदर पड़े नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अपना कोला यहाँ पे गोदाम में जाके उन्होंने रखा, 2-3-5 साल में बिकेगा, ऐसा नहीं है, वो विद इन 1-3 मंथ्स वो निकल जाएगा। तो ये जो फिनिश गुड अपना कोला के पैकेट जो गोदाम में रखे थे वो करंट असेट थे। तो जब वो फिनिश गुड जब बिकता है तो कंपनी का क्या कम हो रहा है, उसका वो करंट असेट जो भी फिनिश गुड्स है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो असेट साइड क्या एंट्री आएगी, असेट के अंदर करंट असेट में फिनिश गुड माइनस होंगे। मान लो वो माल जो बेच रही है कंपनी क्रेडिट पे वो भी 100 लाख का है, ठीक है। तो एक साइड ये एंट्री आएगी, असेट उसके अंदर करंट असेट, क्यों, क्योंकि ये फिनिश गुड जो है वो कैसा असेट है, करंट असेट है, वो ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है गोदाम में, ठीक है। तो वो कंपनी किसी और को दे रही है तो फिनिश गुड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -100 लाख, ठीक है। पर उसके सामने क्या हो रहा है, कंपनी जिसको माल बेच रही है वो ऐसा बोल रहा है कि भाई ये 100 लाख का माल तो मैं ले रहा हूँ पर अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, आपको मैं थोड़े टाइम बाद पैसे दे दूँगा। तो ये जो सामने वाला आदमी है, जो भी पार्टी है जिसने कंपनी से माल ख़रीदा है, वो कंपनी के लिए क्या हो गया, असेट हो गया। क्यों, क्योंकि वो पार्टी से उसको फ्यूचर में इनकम मिलने वाली है, ठीक है। और ऐसे असेट को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। ऐसी कोई भी पार्टीज़ जिसको कंपनी उधार पे माल देती है उसको हमने लास्ट टाइम देखा था, हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। और ये डेटर्स कैसे होते हैं, लंबे टाइम के नहीं होते हैं डेटर्स। अगर तुमने किसी को उधार पे माल दिया है कंपनी ने, तो वो क्या करेगा, सामने वाला 1-2-3 या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर वो पैसा दे देगा, ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट, ठीक है। तो सामने दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, असेट के अंदर करंट असेट और क्या आएगा, डेटर्स, और वो कैसे लिखे जाएंगे, +100। एक साइड तुम्हारा फिनिश गुड माइनस हुआ है, तुम्हारे गोदाम से निकल गया है, और सामने क्या हुआ है, तुम्हारे डेटर्स क्रिएट हुए हैं, तुम्हारे नए डेटर्स बने हैं, इसलिए ये +100 लाख आए हैं, ठीक है। तो आपने देखा असेट के अंदर ही, और उसमें भी सब हेड जो है करंट असेट उसके अंदर ही एंट्री एडजस्ट हो गई, एक माइनस और एक प्लस हो गई, ठीक है। नाउ अगर ये कंपनी क्रेडिट पे माल ना देती और सीधा कैश में ट्रांजैक्शन करती तो क्या होता, ये साइड तो ऐसा ही रहता, फिनिश गुड कंपनी के गोदाम से बाहर जा रहा है तो कैसा आएगा, -100 लाख हो जाएगा। बट सामने अब वो डेटर्स खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी सीधा क्या कर रही है, कैश में पेमेंट दे रही है। तो अब असेट के अंदर करंट असेट और उसके अंदर क्या एंट्री होगी, एक साइड लिखा जाएगा कि भाई कैश कितना आया, 100 लाख, ठीक है। नाउ इसके ऊपर से मैं एक और नियम बताता हूँ, और वो है अकाउंटिंग ऑन अक्रूअल बेसिस। हमने ये जो दो एग्जांपल देखे, एक तो रॉ मटेरियल ख़रीदना और दूसरा फिनिश गुड बेचना, उसमें हमने दो ऑप्शन देखे। एक तो अगर कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होगा, और अगर उधारी पे ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होगा। तो अकाउंटिंग के अंदर दो तरीके की मेथड होती है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूअल बेसिस। और इसमें डिफरेंस एक ही है, कब एंट्री की जाती है उसके ऊपर से ये डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर तुम कैश बेसिस पे अगर बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करोगे, जब तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा तब, या तो तुम्हारे हाथ से पैसा जाएगा तब, ठीक है। ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज़ रिसीव्ड और गिवन,
बट अक्रूअल बेसिस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द इनवॉइस इज रेज्ड। अब ये क्या है, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं अपन, कैश बेसिस की बात करते हैं। तो मान लो कंपनी ने 1,00,000 रुपये का माल 1 जनवरी 2020 को किसी को क्रेडिट पे दिया, क्रेडिट मतलब उधार पे दिया, तब वो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करेगी। हाँ, वो कहीं पे लिख के रखेगी कि भाई इसको ये दिया हुआ है, पर अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, दोनों साइड प्लस की माइनस की या एक साइड प्लस एक ही हेड के अंदर प्लस माइनस की, कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, नाउ अब सामने वाली जो पार्टी है वो विद इन वन मंथ, मान लो 31/1/2020 को वो पेमेंट कर देती है, तो आपने देखा जब सेल हुआ तब कोई एंट्री नहीं हुई, पर जब वो सेल का पैसा कंपनी को मिला तब उन्होंने वो एंट्री लिखी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वो एंट्री क्या होगी, माल बेचा है तो क्या कम हुआ है, फिनिश गुड, तो फिनिश गुड डेबिट होगा, माइनस होगा कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से। और उसके सामने क्या मिला है, मान लो क्रेडिट में मिला है, सॉरी कैश में मिला है, तो उस टाइम क्या होगा, कैश में ऐड किया जाएगा 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो लोग कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्रेडिटर्स या डेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड किया जा रहा है जब कैश आ रहा है। ठीक है, तो ये था कैश बेसिस, ये वाले पॉइंट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, जब कैश आया तभी उसको ट्रांजैक्शन माना गया और इस तरीके से एंट्री की। ठीक है, फिनिश गुड बेचा, कितने का बेचा, 1,00,000 रुपया, तो वो माइनस किया, उसके सामने क्या मिला, कैश मिला, तो वो ऐड किया 1,00,000 रुपया। अब उससे ऑपोजिट एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस में क्या होगा, मान लो सेम ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया, सेल ऑफ ₹1,00,000 ऑन 1st January 2020, और मान लो वो क्रेडिट पे किया। ठीक है, तो इस मेथड में एक्रूअल बेसिस में जैसे ही सेल हुआ वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, पैसा कब आएगा कितना आएगा उससे अभी लेना देना नहीं है, जैसे ही कंपनी ने इनवॉइस रेज किया कि भाई आज की तारीख में मैंने इतना माल बेचा, वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, कंपनी क्या बेच रही है, फिनिश गुड बेच रही है, तो वो कम हो रहा है तो फिनिश गुड डेबिट होगा, कितना, 1,00,000, फिनिश गुड के सामने माइनस 1,00,000 आएगा। बट सामने क्या हो रहा है, कम सामने वाली जो पार्टी है उसने अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो कंपनी के लिए वो क्या हो गया, डेटर हो गया, तो डेटर्स कितने के खड़े होंगे, 1,00,000 रुपए के। ठीक है, अब इसमें एक और प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक ही एंट्री थी 1,00,000 रुपए की, और वो कब हुई, 31/1/2020 को। ठीक है, ये एक ही एंट्री होगी कैश बेसिस में, अक्रूअल बेसिस में दो एंट्री होगी। एक तो पहली एंट्री कब हुई, जब 1st January 2020 को उसने माल बेचा, तब ये एंट्री की उसने कंपनी ने। ठीक है, अब मान लेते हैं, सॉरी, अच्छा हाँ, ये मैंने ये इस तरीके से बताया है यही एंट्री को। ठीक है, अब मान लेते हैं 31st को सामने वाली पार्टी ने वो 1,00,000 रुपये पेमेंट कर दिया, अब इसके लिए भी अलग से एंट्री बनेगी। वो कैसे बनेगी, आपको याद हो तो जब 1 तारीख को माल बेचा था तब वो जो सामने वाली पार्टी थी उसने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो कहाँ एंट्री हुई थी, डेटर्स में एंट्री हुई थी, डेटर्स, और उसके सामने 1,00,000 लिखा गया था। बट अब वो पार्टी कंपनी को पे कर रही है या तो कर दिया है, तो अब वो जो सामने वाली पार्टी है वो कंपनी के लिए डेटर्स नहीं रही, वो डेटर्स की लिस्ट में से वो पार्टी का नाम निकल चुका है, क्योंकि उसने वो जो पैसा लिया था, एक लाख रुपए का जो माल लिया था वो 1,00,000 रुपया दे दिया है। तो वो जो डेटर में जो पार्टी का नाम लिखा था ना कि भाई XYZ पार्टी को हमने 1,00,000 रुपये का माल दिया है, तो उसको डेटर में लिखा गया है, इससे हमें पैसा वापस लेना है।
ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, उसका नाम काट देगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट होंगे डेटर्स, वो डेटर्स में से वो पार्टी का नाम निकल जाएगा और सामने से क्या निकल जाएगा, उसके सामने लिखा हुआ था 1,00,000 रुपये लेना है, वो 1,00,000 रुपये का अमाउंट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डेबिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री क्या होगी, वो डेटर जो था सामने वाला, उसने क्या दिया है कंपनी को, पैसा दिया है, कैश दिया है, तो ये डेटर्स में से 1,00,000 रुपये निकल जाएंगे, डेबिट होंगे, और कहाँ पे क्रेडिट होंगे, कैश के अंदर क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज कहाँ पे हो रही है, असेट में ही हो रही है। दोनों एंट्रीज कहाँ पे हो रही है, करंट असेट में ही हो रही है। करंट असेट में से डेटर्स जो हैं वो निकल रहा है 1,00,000 का, और सामने क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश हो रहा है 1,00,000 का क्रेडिट। ठीक है, नाउ अब जैसे हमने सेलिंग का एग्जांपल देखा, वैसे ही परचेज का एग्जांपल देखते हैं। मान लो कंपनी 1,00,000 रुपये का परचेज करती है ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो अक्रूअल बेसिस में हमने क्या देखा है कि कैश का ट्रांजैक्शन हो ना हो, जैसे ही इनवॉइस रेस हुआ वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो सामने वाले ने कंपनी को 1,00,000 रुपये की रसीद दे दी, भले अपन बाद में पे करने वाले हैं, कंपनी बाद में पे करने वाली है, पर आज की तारीख में सामने वाले ने रसीद बना दी, तो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिख देगी। कैसे लिखेगी, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसने रॉ मटेरियल उधार पे दिया है, ठीक है, जो भी आपने परचेस किया रॉ मटेरियल वो उधार पे लिया है, तो सामने वाली पार्टी आपके लिए क्या हो गई, क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने के बनेंगे, 1,00,000 रुपये के। बट वो ट्रांजैक्शन में आपको मिला क्या है, आपको मिला है रॉ मटेरियल, सामने वाली पार्टी ने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया है 1,00,000 का। ठीक है, तो उसकी एंट्री एक्चुअली कैसी दिखेगी, अब इसमें आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग हेड में आएगी। असेट में, करंट असेट के अंदर आपके पास क्या आया है, आपने क्या ख़रीदा है, आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, उसकी वैल्यू क्या है, 1,00,000। बट आपने वो कैश से नहीं ख़रीदा है, आपने कैसा ख़रीदा है, क्रेडिट पे। तो लायबिलिटी के अंदर कौन से हेड में जाएगा, करंट लायबिलिटी, उसमें क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपये के। मतलब कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ABC कंपनी से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है 1,00,000 का, जिसको हमें बाद में पे करना है। तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, अब मान लेते हैं आपने भी 31 जनवरी को वो जो पार्टी थी जिसने आपको रॉ मटेरियल लिया, उसको आपने 1,00,000 रुपया वापस कर दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी होगी बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे होगी, जब आपने क्रेडिट पे माल लिया था तब आपने क्रेडिटर्स खड़े किए थे 1,00,000 रुपये के, बट जब आप वो 1,00,000 रुपये दे रहे हो तो अब वो क्रेडिटर्स भी निकल जाएंगे ना। पहले वो सामने वाली जो पार्टी थी, मान लो उसका नाम था ABC लिमिटेड, तो आपने यहाँ पे लिखा होगा क्रेडिटर ABC लिमिटेड 1,00,000 रुपीज़, मतलब ABC लिमिटेड को मुझे 1,00,000 रुपीज़ देना बाकी है। पर जब आज की तारीख में जब आप वो दे रहे हो तो ऑब्वियसली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से क्या कर दोगे, ABC लिमिटेड का नाम काट दोगे, और सामने क्या लिखा है 1,00,000 वो भी काट दोगे। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं वो अब चले जाएंगे, तो इसलिए ये जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से 1,00,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सामने तुमने वो जो क्रेडिटर को क्या दिया है, आपने कैश दिया है, तो दूसरी साइड तुम्हारा जो कैश है वो क्या है, 1,00,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रीज कैसी आएगी, असेट साइड, करंट असेट के अंदर तुमने सामने वाली जो पार्टी है ABC लिमिटेड उसको क्या दिया है, 1,00,000 रुपया दिया है, मतलब तुम्हारा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए एंट्री आएगी कैश, और उसके सामने लिखा जाएगा -1 to ABC लिमिटेड। तो ये असेट की एंट्री हो गई। लायबिलिटी की एंट्री क्या हुई, लायबिलिटी में तुम्हारी करंट लायबिलिटी खड़ी थी ABC लिमिटेड के नाम से, पर अब वो तुमने पे कर दिया है तो तुम्हारी वो लायबिलिटी चली गई, तो क्रेडिटर्स में से ABC लिमिटेड का नाम भी हट जाएगा और सामने से -1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद से ट्राई करें
कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सारे ये वाले, उसके अंदर किस तरीके से एंट्रियाँ लिखी जाएंगी। मैंने आपको लेक्चर में इनफ एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है, पर इसके अंदर आप थोड़ा दिमाग लगाइए और एंट्रीज बनाइए कि भाई किस तरीके से दोनों साइड होगा या एक साइड होगा, दोनों साइड प्लस होंगे या दोनों साइड माइनस होंगे या एक ही साइड में प्लस माइनस होंगे। आप वो एंट्रीज ट्राई करके देखिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।